इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। आगम ग्रंथों में आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव जिन्होंने रत्नकरंडक सावकाचार नामक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने एक कारिका लिखी है। कारिका में आचार्य भगवंत ने कहा है कि जो चार प्रकार के अनुयोग हैं जैन दर्शन के, ये चारों अनुयोग कैसे हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्, जैसा सर्वज्ञ ने देखा है ठीक वैसा का वैसा ही लिखा गया है। इसमें तनिक भी हेर फेर नहीं है, किसी छदमस्त की वाणी को सोच को स्थान नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमने कोई चीज़ अच्छी लगी या फिर हमारा चिंतन बहुत अच्छा रहा तो हमने उसको किताब बना दी और उस किताब को ग्रंथ की या अनुयोग की उपमा दे दी गई, ऐसा नहीं। गुरुदेव स्वयं जिस ग्रंथों को लिखते हैं वे ग्रंथ आगम की श्रेणी में नहीं आते, वे सारे के सारे ग्रंथ किसी भी मुनि महाराज के द्वारा लिखी हुई कोई भी देशना हो, कोई भी सूत्र हो, कोई भी श्लोक हो, कोई भी कारिका हो, आज वर्तमान में जितने भी साहित्य की रचना हो रही है वे सारे के सारे ग्रंथ साहित्य की श्रेणी में आते हैं, आगम की श्रेणी में नहीं आते। आगम में और साहित्य में अंतर होता है। कोई पंचम काल का साधु अपनी प्रखर मेघा का उपयोग करके और किसी साहित्य के कारण किसी ग्रंथ की रचना करे, वह ग्रंथ साहित्य की श्रेणी में आता है, आगम की श्रेणी में नहीं आता। और आगम के लिए आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव ने चारों अनुयोग के लिए कहा है, चाहे वो प्रथमानुयोग हो, करणानुयोग हो, चरणानुयोग हो या द्रव्यानुयोग हो, आत्मा का विषय हो, भूगोल का विषय हो, चारित्र की बात हो या फिर आध्यात्मिक गाथाओं या कहानियों के माध्यम से पूर्व के इतिहास को देख करके अपने अंतर्मन में संवेग और वैराग्य पैदा करने वाली बात हो, उन सारी चीज़ों के लिए आचार्य संबंध गुरुदेव ने कहा कि याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्, जैसा मैंने देखा है, जैसा सर्वज्ञ ने देखा है, जैसा गणधर ने सुना है, वही के वही शब्द उठा करके आगम में रख दिए गए। ये बात पहले अंतर तक बैठ जाए, फिर मैं जो कथानक कहने के लिए आज मन बना करके आया हूं उस कथानक में जीने का आपको आनंद आएगा। सबसे पहले ये बात बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि जो बात कही जा रही है याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्, इसमें कोई विपरीतता नहीं है, तो फिर मेरे उस कथानक को सुनने पर आपको उसके गंभीर और उसके रस को लेने में आनंद आएगा। एक चित्रकार है, आगम की एक बहुत गहरी कहानी है, धीरे धीरे आपको उसमें आनंद आना शुरू होगा। बंधु एक चित्रकार है, चित्रकारी करते 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 अपने पूरे के पूरे रंगों को जब वो कैनवास पर उतार रहा था, रोज एक नया चित्र बनाता था। वो नया चित्र बनाते बनाते जब वो थक जाता था और दिन भर में उसके चित्र की पूर्णता प्राप्त नहीं होती थी, पूरा दिन निकल जाता था, उसके मन के अंदर बार बार ये बात आती थी कि कोई ऐसा मंत्र होता, उस मंत्र के माध्यम से मैं ऐसी कोई सिद्धि को प्राप्त कर लेता कि जिस सिद्धि से मैं अपनी तूलिका उठाऊं, उठा करके चित्र पर रखूं और चित्र स्वयमेव अपने आप कुछ ही देर पर
हूबहू जैसा मैं सोचता हूं वैसा अंकित हो जाए। ऐसा वो चित्रकार सोचता था। नाम था उसका भरत, चित्रकार का नाम। बार बार सोचता था। एक दिन ऐसा हुआ सुयोग कि उसको किसी गुरुओं की सहायता से एक मंत्र मिल गया। मंत्र को बैठ करके विधि पूर्वक जब उसने मंत्र की साधना में उतरा, गृहस्थ है, साधु की बात नहीं कर रहा हूं, गृहस्थ है सामान्य सा, जैसे आप रहते हैं ऐसा ही गृहस्थ। लेकिन मन के अंदर जब वो भाव खड़ा हुआ कि काश कोई ऐसी विद्या होती, कोई ऐसा मंत्र सिद्ध होता कि उस मंत्र को सिद्ध करके मैं तूलिका सिर्फ हाथ में उठा करके सिर्फ कागज पे लगाता और तूलिका स्वयं में अपना चित्र कुछ ही देर में बना देती। जब ये विचार उसके मन के अंदर आया तो उसने सुयोग पाकर के एक मंत्र सिद्ध कर लिया। याथातथ्यम बिना च विपरीतात्। अगर ये शब्द हम अंदर तक बैठा करके समझ रहे हो तो फिर सर्वज्ञ की देशना से निश्चित वे शब्द जो कह रहे हैं कि एक गृहस्थ को विधि पूर्वक आराधना करने पर आज भी मंत्र की सिद्धियां हो सकती हैं। हमको लगता है कि सिद्धियां नहीं हो सकती हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के समव शरण रचने के बाद की घटना है बंधुओं। जब इसी काल की घटना है उसमें महाराज क्षेणिक भी हैं, उसमें और भी नए अधिकतम अभिनव पात्र भी हैं। उसमें इसी वक्त में, आज से सिर्फ 2,500 साल पहले की बात बता रहा हूं, कि उस चित्रकार को एक मंत्र सिद्ध हो गया। आज भी बहुत सारे गुनिया लोग रहते हैं, उनको मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। अन्य मत के साधु रहते हैं, उनके पास भी मंत्र की सिद्धियां रहती हैं। मंत्र सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक गृहस्थ बहुत आसानी से उन मंत्रों की सिद्धि करके अपने घर के दूसरे कर्तव्यों को भी अनुकूल कर सकता है। भरत ने सोचा कि अगर एक मंत्र सिद्ध हो जाता तो कितना अच्छा रहता। दैव योग से गुरु मिले, गुरु से मंत्र मिला और साधना पर चित्रकारी की कलम को छोड़ करके उसने माला उठा ली और माला का सहारा लेकर के उसने मंत्र की सिद्धि करी। जितने भी तीर्थंकरों के आप नाम सुनते हैं, ये तीर्थंकरों के सारे तीर्थंकरों के नाम सिद्धार्थ होते हैं। सिद्धार्थ का मतलब है कि जैसा नाम है वैसा वो काम करने की क्षमता भी रखता है। संभवनाथ भगवान का नाम जैसे संभव है, तो संभवनाथ स्वामी की माला फेरने पर असंभव कार्य भी संभव होते हैं। ये बात संभवनाथ तीर्थंकर के उस नाम को बताया जा रहा है। हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के नाम में और स्थापना में अंतर होता है। बच्चे का नाम अरिहंत रखा है लेकिन काम दुर्योधन जैसा करता है। तो ये फर्क तीर्थंकरों के शब्दों और तीर्थंकरों के जीवन पर नहीं घटित होता। उनके नाम वैसे ही होते हैं जैसे उनमें कार्य करने की क्षमता होती है। तो वहां पर 24 तीर्थंकरों की शक्तियां आपके जीवन में है। आप चाहें तो खुद मंत्र के निर्माता बन सकते हैं। आप चाहें तो खुद मंत्र के स्रष्टा बन करके, मंत्र की आराधना करके आज भी कई सिद्धियों की प्राप्ति भी कर सकते हैं बंधुओं। विधि पूर्वक गुरु की आज्ञा लेकर के, गुरु से गुरु मंत्र लेकर के जिन साधकों ने भी कदम बढ़ाया है उन साधकों को मंत्र की सिद्धियां अवश्य हुई हैं। उस भरत को मंत्र की सिद्धि हो गई। अब वो भरत कुछ भी चीज आंख बंद करके सोचता, सोचने के बाद कलम उठाता, पर्वत सोचा उसने गहरा नीला, जो भी उसके आंख बंद करने में उसको समझ में आया उसने उस कागज पर उतार दिया। कागज पर धीरे 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 उतारते उतारते जब इंसान की जगह शक्तियां काम करती हों तो फिर शक्तियों का प्रभाव अपने आप दूरगामी होता है। जैसे बन्ना जी के अश्वकारी श्री अजितनाथ जी भगवान हैं, उनके सामने शांति धारा अभिषेक करने की शक्ति आज विश्व विख्यात है। शक्तियां पहले भी थीं लेकिन लोग जानते नहीं थे, आज जानते हैं। तो पूरी दुनिया का आदमी अजितनाथ भगवान के दरबार पर शांति धारा अभिषेक करने के लिए दूर दूर से कष्ट सह करके भी पधारता है।
और उसके मन के अंदर, माँ बहनों के मन के अंदर तो ये भाव हमेशा रहता है कि मुझे सिद्ध प्रतिमा के दर्शन तो करने ही हैं, जिनके ऊपर शांति धारा अभिषेक करने पर इस तरीके का अभूतपूर्व लाभ जीवन में मिलता है। उस भरत को सिद्धि क्या हुई, उस भरत ने जो भी चीज़ सोचा, आंख बंद करता, कुछ सोचता, कलम को उठा करके कैनवास पर रखता, कलम स्वयमेव चलने लगती और चलते चलते चित्र बनने लगते और धीरे धीरे करके वो अपने पूरे के पूरे राज्य में उस कलाकारी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जैसे आज भी देखिएगा, साधना करने वाली जो गायिकाएं रहती हैं, जब वो शब्दों की आराधना करती हैं, तो अभी लता मंगेशकर जी को देखिएगा कि कैसे वो 70 सालों से लगातार गा रही है। कंठ की कोई ऐसी सिद्धियां हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही सबको कंठ में, किसी को हाथ में जो मंत्र होते हैं वो शरीर में अलग अलग स्थानों पर सिद्ध होते हैं। जैसे तीर्थंकरों के नाम के उच्चारण है और मंत्र होते हैं, वो भी शरीर पर अलग अलग सिद्ध होते हैं बंधुओं। जैसे अजितनाथ स्वामी का मंत्र है, ओम ब्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ये मंत्र कंठ में सिद्ध होता है। कुछ मंत्र होते हैं तीर्थंकरों के, वो नेत्र में सिद्ध होते हैं, कुछ मस्तिष्क पर सिद्ध होते हैं, कुछ हृदय में, कुछ हाथ में, कुछ विचार शक्ति में, कुछ कान पे, ऐसे अलग अलग स्थानों पर सिद्धि के मंत्र होते हैं। उस भरत को हाथ में सिद्धि हो गई, उंगलियों में तुलिका पकड़े और एक नया चित्र तैयार कर लेता। और जैसे ही वो नया चित्र तैयार करता, उस चित्र में ऐसी सजीवता रहती कि देख करके ऐसा लगता कि जैसे पर्वत को उठा करके सीधा कागज पर रख दिया। आप कभी शेर की आंख वाले चित्र देखिएगा, मैंने बहुत देखे हैं, कई कलाकार शेर की आंख ऐसी बनाते हैं, बाल ऐसे बनाते हैं, लगता है कि एक एक बाल कैसे बनाया है इनने। और फिर उनकी कीमतें भी रहती हैं, 25-50 हज़ार रुपये से शुरू होकर के लाखों रुपये में जाकर के एक एक चित्र की सजीवता बोलती है। उस भरत के हाथ के चित्र की सजीवता जब पूरे राज्य में बोलने लगी, भरत को लगा कि मुझे अपने इस वैभव को कहीं और जाकर के भी दिखाना चाहिए। और जब वैभव को दिखाने के लिए भरत अपने पूरे राज्य को छोड़ करके और सिंधु देश के विशालापुर नामक नगर पर पहुंचा, जहां पर महाराज चेटक अपने राज्य शासन को संभालते थे। महाराज चेटक जैन धर्मावलंबी थे और महाराज थे। महाराज का मतलब है जिसके घर के अंदर अत्यधिक मात्रा में प्रत्येक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, उसको आप महाराज समझिए। महाराज का मतलब ही है कि खाने पीने से लेकर के उठने बैठने तक से लेकर के जिनके घरों में अतुलनीय वैभव है, ऐसे व्यक्तियों को महाराज मानिएगा। तो महाराज चेटक राज्य करते थे विशालापुर नामक नगर में, सिंधु देश का वह विशालापुर नामक नगर। उसमें महाराज चेटक के उस नगर में जब वो चित्रकार भरत पहुंचता है, तो छोटे छोटे चित्रों को बना करके वो धीरे धीरे पूरे के पूरे राज्य में ख्याति प्राप्त कर लेता है। और घर के अंदर, नगर के अंदर कुछ भी घटता है, आपको तुरंत सुनाई समझ में तो आ ही जाता है। महाराज चेटक को भी पता चला कि कोई नगर में ऐसा चित्रकार आया है कि जिसकी कलाकारी बिल्कुल सजीव हो उठती है। तो वो चेटक ने उस चित्रकार को अपने राज दरबार पर बुलाया। जैसे हम कभी अपने घर के सामने से निकलने वाला वो जो बहेलिया होता है, सांप पकड़ करके घूमते रहते हैं ना सपेरे, तो कई बार अपन बुला लेते हैं, भैया एक बार सांप का शो यहीं दिखा दो, हम भी देख लेते हैं काला बड़ा सांप, कोबरा छोटा, हरा नीला पीला लाल कैसा होता है, और 2-5-10 रुपये दे करके उसको वापस कर देते हैं। नागपंचमी के दिन तो खास तौर से ऐसा करते ही हैं। तो जैसे अपन छोटे छोटे आयोजनों को कर लेते हैं, ऐसे ही महाराज चेटक ने अपनी पूरी राजसभा में उस चित्रकार को बुलाया। राजसभा बिल्कुल खचाखच आपस में लगी हुई थी, उसमें महाराज चेटक विराजमान थे, महाराज चेटक की श्रीमती महारानी भी विराजमान थी और महाराज चेटक की 7 पुत्रियां थीं।
सातों की सातों पुत्रियां अपने अपने सिंहासन पर दूर विराजमान थीं। सभी लोगों को पता था कि आज उस चित्रकार की चित्रकारी का सजीव कला मंचन इसी मंच पर होना है। सबके मन के अंदर उत्सुकता थी। चेटक के सामने जब वो भरत चित्रकार पहुंचता है, चेटक भरत से कहते हैं कि आपके बारे में बहुत सुना है। भरत विनीत होकर के महाराज चेटक के चरणों में प्रणाम निवेदित करता है, कहता है सब गुरुओं की कृपा है। जब कभी भी अपने जीवन में कोई सौंदर्य बढ़े तो मात्र एक शब्द बोले जाते हैं, सब गुरुओं की कृपा है। प्रभु की कृपा भी नहीं बोली जाता। प्रभु कृपा क्यों नहीं बोली जाती महाराज? क्योंकि गुरु में गुरु भी आ जाते हैं और प्रभु भी आ जाते हैं, लेकिन प्रभु में सिर्फ प्रभु आते हैं, गुरु का समावेश नहीं हो पाता। इसलिए जो भी संपन्न बुद्धि कौशल से प्रवीण लोग होते हैं, जब भी उनके हाथों में सफलता रहती है, वो हमेशा बस एक ही शब्द कहते हैं कि सब गुरुओं की कृपा है। ये शब्द जीवन का सौंदर्य है। भरत चित्रकार से चेटक ने कहा कि आपके बारे में बहुत सुना है। चेटक कहते हैं सब गुरुओं की कृपा है महाराज, गुरु के आशीर्वाद से जिंदगी में मैं इस सफलता तक पहुंचा हूं। और चेटक ही क्या, संसार में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो बंधु, गुरुओं की कृपा से ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। कपड़ा वाला हमेशा ये देखता रहता है कि महिला इतनी देर से साड़ी देख तो रही है, लेकिन किसी के प्रति विशेष उत्सुकता नहीं है। और 10-15-20 साड़ी दिखाने के बाद अगर आपने मान लीजिए किसी साड़ी को हल्के से उठा करके छू करके उसके कपड़े में हाथ भी रखा, इस रखे हुए हाथ को दुकानदार पकड़ लेता है कि लाल कलर की साड़ी को महिला ने हाथ से उठा के छुआ है, मतलब थोड़ा सा आकर्षण उस लाल साड़ी के प्रति है। 2-5 साड़ी आपको और दिखाता है, उसके बाद धीरे से बोलता है, बहन जी आपके ऊपर ना ये नीचे वाली साड़ी बहुत जमेगी, और वही लाल वाली साड़ी उठा करके फिर ऊपर रख देता है। चूंकि आपके मनोभावों में उसके प्रति थोड़ा सा राग भाव पैदा हुआ है, उस राग भाव को उसने पकड़ लिया। अब जैसे ही उसके शब्दों का समर्थन मिलता है, वैसे ही महिला के अंदर ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि वास्तव में ये साड़ी अच्छी है, मुझे भी अच्छी लगी है और दुकानदार भी अच्छा कह रहा है। बोले आप चाहें तो चेंज करके देख लीजिए। और सिर्फ एक शब्द प्रशंसा के सुनने पर ये कपड़े की दुकान वाले जो होते हैं इसी तरीके से रोज सुबह से लेकर शाम तक व्यवसाय करते रहते हैं। बस आपके राग भाव की कणिका कहां पर गिर रही है, एक बार पकड़ में बस आ जाए। तो ये भरत चित्रकार ने उस राग की कणिका को महाराज चेटक की पकड़ा, पकड़ करके देखा कि इनका नेत्रों का व्यास जो है वो मृगावती उनकी पुत्री के ऊपर गया है। और मृगावती को एक बार भरत ने देखा और मुस्कुराते हुए महाराज को वो देखता ही रहा। चूंकि उसके हाथ में मंत्र की सिद्धि थी, तुलिका को कागज पर रखा और महाराज को देख करके मुस्कुरा रहा था, हाथ चलाने का अभिनय कर रहा था, काम तो सारे मंत्र कर रहे थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर, मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर, छत्तीसगढ़।